और एहसान करता है तो एहसान करने वाले शख्स के जो ऐब भी होते हैं उसके अंदर अल्लाह उसके ऐबों को छुपा देता है, उसके ऐबों को जाहिर नहीं होने देता, उसके ऐबों को छुपा भी देता है। और अल्लाह के रसूल सल्लम फरमाते हैं कि जो दूसरों को ऐबों को छुपाता है और रोज़े कयामत अल्लाह उसके ऐबों को छुपा देगा, यानी उसके जो ऐब भी होंगे, जो भी इसके अंदर बुराइयाँ होंगी, तो रोज़े कयामत अल्लाह जाहिर ही नहीं करेगा, उसको खोलेगा ही नहीं। लेकिन अगर जो लोगों के ऐबों को छुपाने की बजाय उन पर ऐब निकालते हैं, जानते हैं कि इसमें बुरी आदत है, लेकिन किसी को नहीं मालूम, उसका दोस्त है उसके सामने करता है, लेकिन वो सब में फैलाता है, पूरी जमात में, उसके पूरे सर्कल के अंदर, पूरे ग्रुप के अंदर डालता है, तो फिर अल्लाह रोज़े कयामत उसके ऐसे ऐब भी बाहर जाहिर कर देगा जो वो अकेले में किया करता था, तो और ज़्यादा वहाँ पर जलील होगा। तो लोगों के ऐबों को छुपाना चाहिए, जहाँ तक माशरे के अंदर खराबी ना हो उस ऐब से, तो तब तक उसको उसके पर्सनल ऐब है तो उसको छुपाना चाहिए, तो रोज़े कयामत अल्लाह उसके ऐबों को छुपा देगा। और जो है ये है कि गाली का बदला गाली भी नहीं, कोई गाली हमको दे तो हम उसके बदले गाली दें, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि कौन वो शख्स है जो अपने माँ बाप को गाली देता है, तो साहबा ने कहा लगे कौन अपने माँ बाप को गाली देगा, तो बोले कि गाली देता है। बोले कैसे देता है कि एक आदमी जब गाली की शुरुआत करता है, एक ने किसी को गाली दी उसके माँ बाप की, और फिर वो पलट कर उसके माँ बाप को गाली देता है, तो गोया कि इस आदमी ने खुद उकसाया उसको कि तू मेरे माँ बाप को गाली दे। आप वहाँ एहसान कर जाते, आप वहाँ चुप हो जाते, खामोशी इख्तियार कर जाते, तो वो आपको गाली नहीं देता, तो आपने बदले में दिया तो आपके माँ बाप को गाली पड़ोगी, तो ये खुद वो होता है, तो एहसान की बात है। और सलफ़ के ताल्लुक से तो को इतना मिलता है कि वो हर चीज़ के अंदर एहसान करते थे, हर चीज़ का अच्छाई से मामला दुरुस्त करते। हसन बसरी रहमतुल्लाह के ताल्लुक से आता है कि अगर उनको कोई मालूम पड़ता और कोई उनसे आकर सच कहता कि वो फ़लाँ शख्स है वो आपकी बुराई कर रहा था और फ़लाँ फ़लाँ आपके बारे में अल्फाज कह रहा था, हसन बसरी कहते कि तोहफ़ा लो, तो उसको अच्छे सा पिक करो और उसको जाकर देख कर आओ, तो बोले उसको देख कर आओ आपकी तो बुराई कर रहा, बोले वो नेकियाँ दे रहा है उसकी, क्योंकि जो किसकी बुराई करता है तो बदले में क्या मिलती है, उसको नेकियाँ मिलती हैं, तो उसके बदले तोहफा दो। हसन कर रहा उसके साथ में कि वो गालियाँ दे रहा है, नफरत फैला रहा है मेरे खिलाफ, लेकिन उसको तुम ये करो, ताकि वही चीज़ जो कुरान का उसूल है कि बुराई का बदला तुम अच्छाई से दो, तो फिर तुम्हारा ऐसा हो जाएगा जैसे दिली दोस्त।